Students, welcome to ICSE 10th. So in this video, we are going to discuss page by page reduced syllabus of class 10th ICSE Chemistry for 2024 batch. So ये हमारी सलीना कॉन्साइज की केमिस्ट्री की बुक और देखते हैं क्या है तुम्हारा सिलेबस. देखो ये तुम्हारे कंटेंट्स है, ये सारे चैप्टर्स तुम्हारे में हैं. चलो अब देखते हैं कि क्या कौन से चैप्टर से क्या क्या कट है और क्या नहीं तुम्हें पढ़ना है. ये तुम्हारा फर्स्ट चैप्टर है पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज एंड वेरिएशंस ऑफ प्रॉपर्टीज. सो इस चैप्टर में तुम्हारा देखो ये आ रहा है पूरा पार्ट, फर्स्ट पेज तो पूरा है. ये सेलियंट फीचर्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है और ये पीरियोडिसिटी, कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी, ये सब तुमको पढ़ना है. ठीक है, ये सब तुम्हारे सिलेबस में इंक्लूड है. और देखते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ भी तुमको सारी पढ़नी है, एटॉमिक साइज, मेटालिक कैरेक्टर, नॉन मेटालिक कैरेक्टर, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. ये सारी प्रॉपर्टीज़ तुमको पढ़नी है और उनके वेरिएशन पढ़ने हैं. ठीक है, ये देखो ये सब तुम्हारे सिलेबस में है, इसमें से कुछ भी कट नहीं है. इनफैक्ट इस पूरे चैप्टर में से कुछ भी नहीं कट है तुम्हारा. देखो ये सब तुम्हारे सिलेबस में है, सब तुमको पढ़ना है. आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और उसके बाद तुम्हारा एटॉमिक नंबर, मास नंबर और ये कंपैरिजन ऑफ एल्कली मेटल्स एंड हैलोजन्स इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ना. तो ये था तुम्हारा फर्स्ट चैप्टर. नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं अपना केमिकल बॉन्डिंग. इस चैप्टर में भी तुम्हारा शायद से कुछ भी नहीं कटे. देखते हैं, देखो इंट्रोडक्शन की पूरा आ रहा है कि तुमको सारे पढ़ना है. उसके बाद इलेक्ट्रोवेलेंट और आयोनिक कंपाउंड आ रहा है, ये जितना भी सब पेज में लिखा है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ना अच्छे से. उसके बाद स्ट्रक्चर्स ऑफ इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स, इसमें से तुम्हारे ये ऑर्बिट स्ट्रक्चर्स नहीं आते, तुम्हारे लिविस स्ट्रक्चर आते हैं. ठीक है, ये स्ट्रक्चर बनाने को नहीं आते हैं, लिविस स्ट्रक्चर आते हैं. अभी देखते हैं नेक्स्ट पेज पर क्या है लिविस स्ट्रक्चर. ये देखो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर या लिविस स्ट्रक्चर, ये आते हैं लिविस सिंबल या इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर. ठीक है, ऐसे ही मैग्नीशियम क्लोराइड का, कैल्शियम ऑक्साइड का, ये सब तुम्हारे सिलेबस में है. ठीक है, और देखो ऑर्बिट स्ट्रक्चर नॉट इन सिलेबस, ऑर्बिट स्ट्रक्चर तुम्हारे सिलेबस में नहीं है. उसके बाद तुम्हारा कोवेलेंट और मॉलिकुलर बॉन्ड, ये भी पूरा है, ये पूरा पेज है, ये भी पूरा पेज है, इंक्लूड है तुम्हारे सिलेबस में. फिर स्ट्रक्चर्स ऑफ सम कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स, ये देखो ये भी सब इंक्लूड है तुम्हारे सिलेबस में. ये स्ट्रक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हमेशा बनाने को आते हैं एग्जाम्स में. ये देखो प्रॉपर्टीज़ एंड कंपैरिजन ऑफ इलेक्ट्रोवेलेंट एंड कोवेलेंट कंपाउंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छे से पढ़ना तुम. प्रॉपर्टीज़ और उनका कंपैरिजन है इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स और कोवेलेंट कंपाउंड्स में, ये सब तुम्हारे में सिलेबस में है. ठीक है, उसके बाद तुम्हारा नया बॉन्ड स्टार्ट होता है वह कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये भी तुम्हारे सिलेबस में है, इसे भी तुम्हें पूरा पढ़ना है एंड तक बिल्कुल. देखो ये पूरा तुम्हारा हो गया. उसके बाद ये केमिकल बॉन्डिंग में इतना था तुम्हारा. उसके बाद एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स, हाँ तो ये चैप्टर है इसमें थोड़ा सिलेबस थोड़ा सा कट है, तो देखते हैं क्या कट है. एसिड्स और बेसिस तो बेसिकली पूरा आ रहा है, सिर्फ सॉल्ट्स में थोड़ा सा कट है. ये एसिड्स एंड बेसिस का पूरा पढ़ना है मैम, ये पूरा आ रहा है. क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स डिपेंडिंग ऑन द बेसिसिटी, ये सब पूरा है, ये सब पूरा इंक्लूड है. प्रिपरेशन ऑफ एसिड्स, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, ये है सिलेबस में. उसके बाद की फिर ये भी पूरा है पेज. उसके बाद बेसिस, बेसिस भी पूरा है. बेसिक ऑक्साइड, बेसिक हाइड्रोक्साइड, क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, ऑन द बेसिस ऑफ द एसिडिटी. ठीक है, उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस एंड अल्कलीज, फिर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस, ये सब है तुम्हारे सिलेबस में. और टेस्ट फॉर एसिडिटी अल्कलिनिटी, ये भी पूरा है सिलेबस में तुम्हारे. ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, ये भी है तुम्हारे सिलेबस में. उसके बाद ये है सॉल्ट्स, इसमें तुम्हारा कटा है. देखो इसमें तुम्हें क्या पढ़ना है, तुम्हें सॉल्ट की डेफिनेशन पढ़नी है, ये पूरा आगे का ये पढ़ना है. उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट्स में सिक्स काइंड ऑफ सॉल्ट्स तुम्हारी बुक में दिए हैं और तुम्हें सारे नहीं पढ़ने हैं. तुम्हें कौन से पढ़ने हैं, तुम्हें नॉर्मल सॉल्ट पढ़ना है, एसिड सॉल्ट पढ़ना है और बेसिक सॉल्ट पढ़ना है. ठीक है, ये फर्स्ट थ्री सॉल्ट्स जो हैं ये तुम्हारे सिलेबस में है, बाकी ये लास्ट के थ्री जो सॉल्ट्स हैं तुम्हारे सिलेबस में नहीं है. तो देखो तुम ये पढ़ोगे नॉर्मल सॉल्ट, एसिड सॉल्ट तुम्हें पढ़ना है और बेसिक सॉल्ट पढ़ना है. इसके बाद ये डबल सॉल्ट, मिक्स सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट तुम्हें नहीं पढ़ना है. इसके आगे जितना भी है तुम्हारे सिलेबस में, देखो नॉर्मल सॉल्ट, एसिड सॉल्ट और बेसिक सॉल्ट के बाद जितना भी तुम्हारे सिलेबस में है, इसके बाद बेसिक सॉल्ट ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है. डबल सॉल्ट, मिक्स सॉल्ट, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स और मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट्स और प्रिपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल सॉल्ट, ये सब कुछ नहीं है तुम्हारे सिलेबस में, सब काट दो. ठीक है,
ये प्रोसीजर और ये लेड क्लोराइड एंड कैल्शियम कार्बोनेट मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, ये सब कुछ नहीं है तुम्हारे सिलेबस में। इसको पूरा एंड तक, लास्ट तक ये जो डायग्राम है ना, इसके यहाँ तक कट कर दो। उसके बाद तुम्हारा जो नेक्स्ट है ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्ट्स, ये देखो नॉट इन सिलेबस ओनली फॉर रेफरेंस, तो ये भी पूरा काट दो, इसमें से तुम्हारा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। और इसको पूरा एंड तक इसको भी कट कर दो, ये पूरा कट है तुम्हारे में सिलेबस में, ठीक है। ये सब पूरा ये कट है, प्रेपरेशन ऑफ प्रेपरेशन प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्ट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्ट्स ये पूरा कट है एंड तक, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट चैप्टर तुम्हारा एनालिटिकल केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री तुम्हारा पूरा आ रहा है, इसमें कुछ भी नहीं कट है। इसमें ये आयंस दिए हैं, इनके कलर दिए हैं, ये सब एक बार अच्छे से पढ़ना ये ब्लॉक को। और ये इंट्रोडक्शन पूरा है, फिर ये पूरा रिएक्शंस वाला चैप्टर है, तो इसमें तुम्हें रिएक्शंस तो बिल्कुल अच्छे से आनी चाहिए। और ये चार्ट बहुत अच्छे से करना है तुमको, ये वाला चार्ट बहुत अच्छे से करना है, यही दो चार्ट दिए हैं इसमें। और ये वाले चार्ट जो हैं ये भी इंपॉर्टेंट है, इन्हें भी करना है तुम्हें। फिर ये चार्ट तुम लर्न कर लो, तुम्हारा पूरा चैप्टर हो जाएगा, ठीक है। और ये बस, और इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है, चार पेजेस का चैप्टर है, ईजी चैप्टर है और स्कोरिंग है, तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ना। अब मोल कॉन्सेप्ट एंड स्टोइकियोमेट्री, तो ये चैप्टर तुम्हारे देखते हैं, गे-लुसिक्स लॉ आ रही है तुम्हारे में, एवोगाड्रो लॉ भी तुम्हारे में है, क्योंकि जो पिछली बार का बैच था 2023 बैच, उसमें पूरा एवोगाड्रो लॉ कटा हुआ था, बट इस बार तुम्हारे में ये इंक्लूड है और तुम्हारे सिलेबस में आ रहा है। तो इंट्रोडक्शन ये पूरा है, प्रेशर वॉल्यूम रिलेशनशिप ऑफ बॉयल्स लॉ है, टेम्परेचर वॉल्यूम रिलेशनशिप चार्ल्स लॉ है तुम्हारे सिलेबस में। उसके बाद ये गैस इक्वेशन, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, टेम्परेचर स्केल, गे-लुसिक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स, और इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं, न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन गे-लुसिक्स लॉ, ये सब तुम्हारे सिलेबस में है, ठीक है। देख लो इसे एक बार, ये देखो ये सब न्यूमेरिकल्स तुम्हारे सिलेबस में। उसके बाद तुम्हारे में एवोगाड्रोस लॉ भी है, ये तुमको पूरा पढ़ना है, ये पूरा तुम्हें पढ़ना है। एग्जाम्पल्स भी, ये जो न्यूमेरिकल्स हैं ये भी तुम्हें पढ़ने हैं। और उसके बाद तुम्हारे में रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास और मोल कंसेप्ट भी है। पिछली बार के बैच में मोल कंसेप्ट भी कट था, लेकिन इस बार तुम्हारे में इंक्लूड है वो। तो रिलेटिव एटॉमिक मास, एटॉमिक वेट, फ्रैक्शनल एटॉमिक मासेस, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर वेट, ग्राम एटॉमिक मास, मोल कंसेप्ट, ये सब तुम्हारे में है, ठीक है। मोल ऑफ एटम्स, ये सब तुम्हारे में है, तुम्हें पढ़ना है सब कुछ। और ये न्यूमेरिकल्स भी सब हैं तुम्हें, जो प्रैक्टिस करने होंगे। उसके बाद ये वेपर डेंसिटी एंड इट्स रिलेशन टू रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, ये भी है इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, 2 into रिलेटिव वेपर डेंसिटी, और इससे रिलेटेड जो भी है न्यूमेरिकल्स हैं तुम्हें प्रैक्टिस करने हैं, देखो, ठीक है। उसके बाद परसेंटेज कॉम्पोजिशन एम्पीरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूले, इसमें सिर्फ न्यूमेरिकल्स हैं और ये सब तुम्हें न्यूमेरिकल्स पढ़ने पड़ेंगे, अच्छे से प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, तो ये सब तुम्हारे सिलेबस में है, देख लो। परसेंटेज कॉम्पोजिशन, डिटर्मिनेशन ऑफ एम्पीरिकल फॉर्मूला एंड डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और ये जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं इन्हें अच्छे से पढ़ना। उसके बाद कैलकुलेशंस बेस्ड ऑन केमिकल इक्वेशंस, तो ये भी तुम्हारे सिलेबस में पूरा है, कुछ भी कट नहीं है, इसको भी तुम्हें पढ़ना है, समझना है अच्छे से। चलो अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चैप्टर तुम्हारा इलेक्ट्रोलिसिस है, और ये जो ये चैप्टर है इसमें से तुम्हारे जो पेज नंबर 93 पे ये प्रॉब्लम्स दी हैं ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, क्योंकि तुम्हारे में सिंपल प्रॉब्लम्स इंक्लूड है और ये डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स हैं, यही मोल कॉन्सेप्ट है स्टोइकियोमेट्री में। ये जो लास्ट की दो न्यूमेरिकल्स दी हैं ये तुम्हारे सिलेबस में इस टाइप के न्यूमेरिकल्स नहीं आएंगे, और तुम्हारे में सिंपल प्रॉब्लम्स आएंगे सिर्फ, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है तुम्हारा इलेक्ट्रोलिसिस, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे बहुत बढ़िया क्वेश्चंस बनते हैं, और मतलब इसका अच्छा वेटेज होता है, अच्छा इसका वेटेज होता है तुम्हारे एग्जाम्स में, ठीक है। तो देखो ये इंट्रोडक्शन पूरा है, और मतलब इस चैप्टर में से कुछ भी नहीं काटा तुम्हारा, डेफिनेशन एग्जाम्पल्स ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देखना, ये चार्ट आर्ट जितने भी हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद ये एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स और ये जितने रिएक्शंस लिखे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूरा पेज और ये पूरा पेज सिलेबस में तुम्हारे, ये पूरा पेज तुम्हारे सिलेबस में, ठीक है। इसमें से कुछ भी नहीं काटा, इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ऑफ मेटल्स, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ऑफ एनायंस, प्रेफरेंशियल और सेलेक्टिव डिस्चार्ज ऑफ आयंस एट इलेक्ट्रोड्स, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, सब हमारे सिलेबस में। और उसके बाद ये तीन जो दिए हैं इलेक्ट्रोलिसिस के तीन एग्जांपल्स दिए थे बारे में, मोल्टन लेड ब्रोमाइड का एक ये, और इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स ये वाला,
और इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों तुम्हारे सिलेबस में हैं, इनको अच्छे से पढ़ना बहुत, और ये सब बहुत अच्छे से पढ़ना, ये सब तुम्हारे सिलेबस में है। उसके बाद एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस स्टार्ट होता है। एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में तुम्हारा इलेक्ट्रोप्लेटिंग आ रहा है, तो इसकी कंडीशंस अच्छे से पढ़ना, रीज़न पढ़ना। उसके बाद इलेक्ट्रोप्लेटिंग में एग्जांपल्स में कौन से हैं, सिल्वर का एग्जांपल दिया और निकल का एग्जांपल दिया, तो ये भी दोनों तुम्हारे सिलेबस में है, इनको पढ़ना, इलेक्ट्रोप्लेटिंग विद निकल। उसके बाद इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स भी तुम्हारे सिलेबस में, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ कॉपर तुम्हारे सिलेबस में, तो इसको भी पढ़ना, ये पूरा यहाँ आता गया, इसको पढ़ना है। उसके बाद इलेक्ट्रो मेटलर्जी तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, तो इसको पूरा यहाँ से लेके एंड तक का यहाँ बिल्कुल काट देना, ठीक है। फिर तुम्हारा नेक्स्ट चैप्टर है मेटलर्जी। मेटलर्जी में देखो तुम्हारा ये सब नहीं आएगा, इंट्रोडक्शन वगैरह सब कुछ नहीं है तुम्हारे सिलेबस में। और उसके बाद तुम्हारा ये पूरा जो भी ये सब लिखा है, ये सब भी तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। तुम्हें क्या पढ़ना है, तुम्हें डेफिनेशन पढ़नी है मिनरल्स एंड ओट्स की, डेफिनेशन पढ़नी है मिनरल्स और ओट्स की। और नेक्स्ट जो ये है नेक्स्ट पेज पे, उसमें में मेन ओट्स ये कटा हुआ है, ये वाला ब्लॉक तुम्हें नहीं पढ़ना है, तुम्हें ये वाला पढ़ना है चार्ट जो दिया है, कॉमन ओट्स ऑफ एल्यूमिनियम आयरन एंड जिंक, ये इसमें से आएगा, और इसमें से मिनरल्स और ओट्स की डेफिनेशन आएगी सिर्फ, ठीक है। बाकी पूरा कट है, क्या तुम्हें पढ़ना है, तुम्हें पढ़ना है डेफिनेशन ऑफ मिनरल्स एंड ओट्स एंड कॉमन ओट्स ऑफ एल्यूमिनियम आयरन एंड जिंक, ठीक है। फिर नेक्स्ट पेज पे स्टेजेस इन्वॉल्व इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, इसमें भी तुमको पूरा पढ़ना है, ड्रेसिंग, कंसनट्रेशन ऑफ ओर्स, हाइड्रोलिक वॉशिंग और ग्रेविटी सेपरेशन और लेविगेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन, फ्रॉथ फ्लोटेशन, ये तुम्हें पढ़ना है। उसके बाद तुम्हें केमिकल मेथड और लीचिंग, जो फ्रॉथ फ्लोटेशन के जस्ट नीचे लिखा है, वो पैराग्राफ तुम्हें नहीं पढ़ना है, ठीक है, वो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, केमिकल मेथड और लीचिंग, इसे तुम कट कर लेना, ठीक है, ये पूरा यहाँ तक एंड तक से कट कर लेना। उसके बाद कन्वर्जन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड ओर टू ऑक्साइड, ये सब तुम्हारे में है, रोस्टिंग है, कैल्सिनेशन है, रिडक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड्स टू मेटल्स है, ये तुम्हें पढ़ना है, ठीक है। उसके ये बहुत जो रिएक्शंस लिखी हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से पढ़ना, ठीक है, चलो। और उसके बाद तुम्हारे में रिफाइनिंग ऑफ मेटल भी है, तो इसके बाद का तो सब कुछ ही है, पूरा एंड तक यहाँ तक तुम्हारे सिलेबस में है, ठीक। उसके बाद एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम में, इसमें भी तुम्हारा थोड़ा बहुत कटा है, मैं बता रही हूँ अभी, एल्यूमिनियम यह पूरा आ रहा है, एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बेयर्स प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, और इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन ऑफ यूज्ड एल्यूमिना। उसके बाद हॉल्ट हेरोल्ड प्रोसेस ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी है सिलेबस में तुम्हारे, ये पूरा यहाँ तक है। उसके बाद ये इसका ये आता है कि क्रियोलाइट का फंक्शन क्या है इसमें, और फ्लोर्स पर क्या क्रियोलाइट और पाउडर्ड कोक का क्या इसमें रोल है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी पढ़ना अच्छे से। और रिफाइनिंग ऑफ एल्यूमिनियम से तुम्हारा कट है, ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, रिफाइनिंग ऑफ एल्यूमिनियम तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, देखो यहाँ लिखा भी है नॉट इन सिलेबस, तो इस यहाँ से इसको कट कर लेना। और ये पूरा एंड तक वही दिया है, फ्लो चार्ट दिया है एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम का, तो ये तुम्हारे सिलेबस में है नहीं, तुम्हें क्या पढ़ना है एल्यूमिनियम के आगे जितना एक्सट्रैक्शन ऑफ रिफाइनिंग ऑफ एल्यूमिनियम के पहले जितना भी लिखा है वो तुम्हें पढ़ना है एल्यूमिनियम में, ठीक है। उसके बाद एलॉयज़ में तुम्हें ये सब कुछ नहीं पढ़ना है, ये पूरा तुम्हें काट कट कर दो इसको, और ये सब भी तुम्हें कुछ नहीं पढ़ना है, इसको पूरा यहाँ तक आप कट कर देना लास्ट तक का, ठीक है, पूरा ये पेज भी कट कर देना। तुम्हें क्या पढ़ना है, इस चार्ट में से पढ़ना है, और वो भी सिर्फ सेलेक्टिव, सारे एलॉयज़ के नेम नहीं पढ़ना है तुम्हें, तुम्हें कौन सा पढ़ना है, तुम्हें ड्यूरेलिमिन पढ़ना है, ड्यूरेलिमिन का क्या पढ़ना है, ये प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है, यूज़ पढ़ना है, और उसका कॉम्पोजिशन पढ़ना है, उसमें परसेंटेज नहीं याद करनी, तुम्हें ये जो एलिमेंट्स है सिर्फ ये याद करना है। और नेक्स्ट तुम्हें स्टेनलेस स्टील याद करना है, ब्रास का याद करना है, ब्रॉन्ज का याद करना है, और सोल्डर ऑफ यूज मेटल का याद करना है, तुम्हें ये मैग्नीलियम, मैंगनीज स्टील, टंगस्टन स्टील और जर्मन सिल्वर टाइप मेटल, इन सब का नहीं करना है, तुम्हें ड्यूरेलिमिन का करना है, स्टेनलेस स्टील का करना है, ब्रास का करना है, ब्रॉन्ज का करना है, और सोल्डर ऑफ यूज मेटल का करना है, प्रॉपर्टीज़ करना है, कॉम्पोजिशन करना है, और इनके यूजेस करने हैं, ठीक है। तो ये था तुम्हारा मेटलर्जी का सिलेबस। अब जो नेक्स्ट चैप्टर है वो तुम्हारा स्टडी ऑफ कंपाउंड्स हाइड्रोजन क्लोराइड। देखो जो तुम्हारे स्टडी ऑफ कंपाउंड्स वाले सारे चैप्टर हैं इनमें तुम्हारी रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुम इसमें बहुत 50% तुम कहो कि सिलेबस जो आता है वो तुम्हारे रिएक्शन से ही आता है, 50% ऑफ पेपर तुम्हारा रिएक्शन से ही बनता है, और ये स्टडी ऑफ कंपाउंड्स के जो चार चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो हाइड्रोजन क्लोराइड का ये पूरा है, अकरेंस है, जनरल प्रिपरेशन है, लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है। उसके बाद ये जो रिएक्शन लिखी है बहुत इंपॉर्टेंट है, प्योरिफिकेशन ऑफ HCl गैस, आइडेंटिफिकेशन, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब तुम्हारे सिलेबस में है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, एक्सपेरिमेंट्स और ये फाउंटेन एक्सपेरिमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस,
ये हाइड्रोजन फ्लोराइड गैस का है. उसके बाद फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड की सारी चीज़ें स्टार्ट होती हैं, लेबोरेटरी मेथड, प्रिपरेशन मैकेनिज्म बाय विच बैक सेक्शन इज अवॉइडेड और मिनिमाइज्ड, और फिर प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज, और ये पूरा एंड तक है तुम्हारे में, इस यहाँ तक. ठीक है, उसके बाद तुम्हारे में यूजेस नहीं है, तो यूजेस कट कर दो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के. ये जो जनरल यूजेस लिखे हैं और इंडस्ट्रियल यूजेस आगे वाले पेज पे लिखे हैं, तो ये पूरे कट हैं. इंडस्ट्रियल और मेडिसिन भी, मतलब पूरे यूजेस कट हैं. यूजेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड वाला पूरा पार्ट तुम्हारा कट है. तो मैं क्या पढ़ना है, टेस्ट पढ़ना है हाइड्रोजन क्लोराइड के और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के, और बाकी जितना भी चैप्टर में दिया है वो सब करना है. और ये जो ब्लॉक दिया है, ये ब्लॉक जो दिया है नॉट, ये सिलेबस में नहीं है. ठीक है, इसको कट कर लेना. देखो यहाँ लिखा है नॉट इन सिलेबस फॉर रेफरेंस ओनली. तो ये जो इसकी रिएक्शंस लिखी हैं ये तुम्हें लर्न करने की कोई ज़रूरत नहीं है. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है और ये तुम्हारे सिलेबस में ही नहीं है. और तुम्हें यूजेस भी नहीं तुम्हारे सिलेबस में, तुम्हें टेस्ट पढ़ने हैं और बाकी जो रेस्ट ऑफ द चैप्टर है वो पढ़ना है. ठीक है, फिर जो नेक्स्ट चैप्टर है तुम्हारा वो है स्टडी कंपाउंड्स का ही, सेकंड अमोनिया. अमोनिया भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये तुम्हें पूरा आगे स्टार्टिंग पढ़ना है. फॉर्म्स ऑफ अमोनिया पढ़ना है. अमोनिया देखो इसमें से ये एक बेसिक गैस है ना. और फॉर्म्स ऑफ अमोनिया पढ़ना है तुम्हें, जनरल प्रिपरेशन पढ़ना है, लेबोरेटरी प्रिपरेशन पढ़ना है, और उसके बाद ये जो ये क्वेश्चन ये लिखे हैं ये सारे पॉइंट्स तुम्हें बहुत अच्छे से रिमेंबर करने होंगे. ठीक है, और फिर फ्रॉम मेटल नाइट्रेट्स, मतलब ये जितना इसका प्रिपरेशन है ये सब पढ़ने हैं, इनके रिएक्शंस अच्छे से पढ़ने हैं, प्रिपरेशन ऑफ एक्वस अमोनिया, और उसके बाद मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया का जो प्रोसेस होता है उसको हम हेबर्स प्रोसेस कहते हैं. तो हेबर्स प्रोसेस की तुम्हें सारी कंडीशंस और ये जो दिए हैं रिएक्टेंट्स और रिएक्शन बहुत अच्छे से लर्न करनी है. देखो ये सब पेज तुम्हारे सिलेबस में है, ये भी है तुम्हारे सिलेबस में. तुम्हारे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, इसमें भी फाउंटेन एक्सपेरिमेंट है वो भी